खरगोन के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले 200 से अधिक प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का सम्मान करके प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए, जिससे डॉक्टरों में हर्ष है। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में 2000 से अधिक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, जिन्होंने कोरोना काल में अब तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसे लेकर भाजपा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में डॉक्टरों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। पूर्व में 7 जुलाई को आयोजन हुआ था और दूसरी बार शनिवार को 250 से अधिक डॉक्टरों का सम्मान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। और वो सम्मान आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव किया तो, और जनता को विश्वास में लेके उनका अच्छा इलाज तो आप लोग करते ही आ रहे हैं, उसको जारी रखिए। ये मेरा विनम्र अनुरोध है और के आर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब, सांसद महोदय, विधायक साहब, अपने सिविल सर्जन और सेम एच ओ साहब, सबका जो है इसके अंदर योगदान रहेगा। और आगे योजना ये है कि सभी का, हर व्यक्ति की सिंगल सेल की जांच हो। अभी ये हो रहा है कि सारे सिंगल सेल की जांच पीएससी लेवल पे, सीएससी लेवल पे हो रही है, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं और उसको कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हमारे जिला चिकित्सालय में भेजते हैं। और सिकल सेल ऐसी बीमारी है कि जिसके मात्र काउंसलिंग से, जांच करने से कुछ समय बाद हम ये कर पाएंगे 2030 तक कि कोई सिकल सेल का पेशेंट नहीं रहे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे, स्पेशली जो आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे, भगवानपुरा है, चिरनिया है, यहाँ पे सिकल सेल के काफ़ी मरीज पाए जा रहे हैं। तो हमें सभी, और चुनाव के बाद शायद और जोर शोर से प्रोग्राम चलना है, तो सब लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारा शासन जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहा है। इवन हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पर भी CHO पदस्थ हैं, तो जो भी पेशेंट वहाँ जाते हैं, वहाँ पे NCD से संबंधित जो डिसीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, इनसे संबंधित सारी बीमारियों की दवाई हम महीने महीने भर तक उनको देते हैं। तो आप जो भी पेशेंट देखें, दवाई के लिए आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भेजें और वहाँ से उनके ज़रूरत पड़ती है तो ई संजीवनी क्लिनिक के माध्यम से वो हमारे यहाँ कॉल करते हैं, यहाँ से डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके सारे मेडिसिन जो है वो महीने भर के लिए प्रोवाइड होती है। साथ ही सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हम PSC और CSC के माध्यम से, हब एंड स्पोक के माध्यम से सारी, काफ़ी सारी जो है इन्वेस्टिगेशन है उनकी सुविधा भी शासन ने उपलब्ध कराई है, तो वहीं हम लोकल में उनकी जो है जांच करवा सकते हैं। तो इन सब का फायदा भी आप दिलाइए। प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले वरिष्ठ डॉक्टरों का सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जिन डॉक्टरों ने कोरोना काल से लेकर अभी तक जो सेवा देते आ रहे हैं उनका हमने सम्मान करने का विषय को लेकर आज यह कार्यक्रम किया था। इसके पीछे कि डॉक्टरों का भी एक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो पैसे से हर प्रकार से संपन्न रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो उस भावना को लेके भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले हमने खरगोन के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त डॉक्टरों का एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया है। कितने डॉक्टर हैं जिले में आज? वैसे तो जिले में लगभग 2000 से 2500 के बीच में हैं। हम 19 जुलाई को भी कार्यक्रम कर चुके हैं सम्मान, और कुछ रह गए थे, अभी भी हमने करीबन 300-350 से 300 के बीच में डॉक्टरों का सम्मान किया है। डॉक्टर के आर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिला संयोजक खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।